नमस्कार, इंडिया डिबेट के साथ मैं आशुतोष पाठक हाजिर हूं। दोस्तों, हमने आपसे वायदा किया था कि हम जल्द ही पॉलिटिकल मुद्दों पर डिबेट शुरू करने वाले हैं और आज से हम उसकी शुरुआत भी कर रहे हैं। और जो सबसे वाइब्रेंट स्टेट है पॉलिटिकली, राजनीति से ऐसा लगता है कि वहां हर व्यक्ति को, छोटा बड़ा, सबको राजनीति में दिलचस्पी है, सबको राजनीति से वास्ता रहता है। और वो एकमात्र प्रदेश है पूरे देश में, सबसे ज्यादा पॉलिटिकली वाइब्रेंट प्रदेश बिहार। और आज हम बिहार से ही इसकी शुरुआत कर रहे हैं। मैं अपने उन दर्शकों से माफी चाहता हूं जो अब तक मुझे एक विशेष अभियान में देखते आए थे। हम उस अभियान को छोड़े नहीं हैं, हम उस अभियान को आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन राजनीति के अखाड़ा में अब हम आहिस्ता आहिस्ता उतर रहे हैं और ये कोशिश करेंगे देखने की कि राजनीति के अखाड़े में कौन बलवान है, कौन किसको पटकनी दे रहा है। हम तो एक रेफरी की भूमिका में रहेंगे और सिर्फ देखते रहेंगे कि कौन किसको, कब, कैसे, किस दांव से पटकनी दे रहा है। तो आज हम शुरुआत करते हैं अपने सबसे प्रभावशाली राजनीति के नजरिए से, बिहार से। बिहार में राजनीतिक भूचाल आ गया है और नीतीश कुमार ऐसा लग रहा है कि चौराहे पर आके फंस गए हैं। नीतीश कुमार को लगता है कि वो एक चक्रव्यूह में फंस गए हैं, लेकिन ये चक्रव्यूह नीतीश कुमार के लिए किसी और ने तैयार नहीं किया है। नीतीश कुमार ने खुद ही ये चक्रव्यूह तैयार कर लिया है, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि नीतीश कुमार अपने कृतित्व से खुद को इस चौराहे पर लाके खड़ा कर दिया है। नीतीश ऐसा लगता है कि हर तरफ से घिरते जा रहे हैं, घेरने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कोई मास्टर की भी भूमिका में है और मास्टर की भूमिका सीधे हस्तिनापुर से तय हो रही है। और हस्तिनापुर से इस बार चाणक्य कोई और है, लेकिन चक्रव्यूह बिहार में बिछ गया है, सच गया है। और जो शतरंज की विसात है, उस शतरंज की विसात पे शह और मात का खेल चल रहा है और ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार शह और मात की खेल में लगभग लगभग पराजित होते हुए दिख रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे बिहार के सबसे कद्दावर नेताओं में से एक, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, बिहार के चाणक्य कहे जाने वाले डॉक्टर अरुण कुमार से। तो डॉक्टर अरुण कुमार का हम स्वागत करते हैं, सीधे पटना से वो जुड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंडिया डिबेट क्यूआई नेटवर्क में पहली बार आप शामिल हो रहे हैं, आपको हमारी आवाज आ रही है डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल। डॉक्टर अरुण कुमार एक वक्त नीतीश कुमार के साथी रहे, नीतीश कुमार को बनाने में इन्होंने अपनी जवानी लगा दी। मैंने कई वीडियो अरुण कुमार के देखे हैं, कई भाषण सुने हैं। डॉक्टर अरुण कुमार अक्सर इस बात का जिक्र करते हैं कि जिस व्यक्ति को सत्ता दिलाने में हमने अपनी जवानी लगा दी, आज उस व्यक्ति की यह हालत देख करके डॉक्टर अरुण कुमार क्या सोच रहे हैं। पहला सवाल तो डॉक्टर साहब आपसे यही है। हालांकि यह सवाल, इस सवाल का उत्तर देने के पहले कि आप इसका उत्तर दें, हम आपको बधाई भी देना चाहते हैं। आपके बारे में अभी जानकारी मिली है कि आपके ऊपर जो एक केस था वो खारिज हो गया है और अब आप बाइज्जत बरी हो गए हैं, जिसमें आपने कहा था कि छाती तोड़ देंगे। ये बयान काफी पॉपुलर हुआ था बिहार में और उस बयान को लेकर एक मुकदमा चल रहा था आपके खिलाफ और आप उसमें बाइज्जत बरी हो गए हैं। तो इसके लिए आपको शुभकामना, आपको बधाई। इसका क्या असर होगा इस पर हम बाद में बात करेंगे। हमारा जो पहला सवाल है डॉक्टर अरुण कुमार आपसे, कि डॉक्टर अरुण कुमार अब नीतीश कुमार के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, मैं तो पिछले 10 वर्षों से लगातार बिहार को नीतीश कुमार से मुक्त कराने में लगा, लेकिन मेरा हर दाव, हर चाल फेल कर रहा है। लेकिन प्रकृति भी कभी कभी इलाज करती है, मनसा वाचा कर्मणा। मैं नीतीश कुमार को सत्ता तक पहुंचाने में साथ रहा। सत्ता में आने के बाद, खासकर बिहार के मुख्यमंत्री बनने के बाद, 1-3 साल के अंदर ही
इनका वह अहंकार चरम पर हो गया। पहली बात तो नीतीश कुमार को सत्ता में लाने में अरुण कुमार तो एक छोटे बहुत स्मॉल फ्राई के रूप में थे, लेकिन हमारी जो हैसियत थी उसमें हम काम कर रहे थे। जॉर्ज फर्नांडिस हमारे राजनीति की प्रेरणा स्रोत रहे और उनके वजह से नीतीश कुमार में अपनी संपूर्ण ऊर्जा झोंक, और ऐसा लगता भी था, अंधेरे में नहीं झोंक रहा था, लगता भी था कि बिहार में एक पढ़ा लिखा इंजीनियर बिहार की जो त्रासदी है, गरीबी है, भूखमरी है, अशिक्षा है, स्वास्थ्य का जो सवाल है, इस सारे सवालों को ये एड्रेस करें। लेकिन इन सवालों को एड्रेस करने के बजाय इन्होंने समाज में विभिन्न तरह की विषमता पैदा करने की कोशिश की और लगातार वैसे लोगों से घिरते चले गए जो समाज के कोर थे, राजनीति के कोर थे, राजनीति के लिए कलंक थे, वैसे तत्वों को इन्होंने जमा किया और बीच बीच में माया जाल में बहुत लोगों को फंसाया। तेजस्वी यादव अभी हाल की घटना है, सब लोग देख रहा था कि किस तरीके से प्रशासन का दुरुपयोग करके अंतिम चरण में काउंटिंग के 7-8 विधायक को अपने पक्ष में कर लिया और इनके विधायक को हराने का। इन दोनों चचा भतीजा का जो परिवाद हुआ पूरा बिहार देख रहा था, ऐसा लग रहा था कि प्रतिपक्ष प्रतिपक्ष है, लेकिन प्रतिपक्ष सत्ता पक्ष से मिले। मैंडेट मिला था नीतीश कुमार को नहीं, मैंडेट मिला था एनडीए को, भाजपा को बराबर अपने माया जाल में फंसा करके दुरुपयोग करते रहे। सदुपयोग करते तो कोई बात थी, दुरुपयोग करते रहे, और भाजपा तक पहुंचाने में भूमिका थी जॉर्ज फर्नांडिस, इनको नेशनल लीडर बनाने में भूमिका थी जॉर्ज फर्नांडिस, लेकिन जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव, तमाम लोगों को इन्होंने दरकिनार किया। जितने अच्छे लोग थे, हन्नान अंसारी, अब्दुल गफूर, मंजय लाल, तमाम जो दिग्गज नेता थे, सब लोग इन्होंने किनारे किया। सुशील सिंह के पिताजी टूटन बाबू का भी बहुत बड़ा रोल था, उन पर बहुत दबाव पड़े थे कि आप उस जमात में मत जाइए, वो एक लंबी कहानी है। तो मैं ये कह रहा हूं कि बिहार को बर्बाद इन्होंने किया शिक्षा में, स्वास्थ्य में, संपूर्ण मानकों पर। और उस दिन तो काफी तकलीफ हुआ जब बालिका गृह कांड खुल करके सामने आया, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड। यह अपने हमको लगता था कि नीतीश कुमार इसमें गंभीरता से इस मामले को देखेंगे, लेकिन ये लोग उन सफेद पोश लोग जो यतीम परिवार की बच्चियों के साथ हुआ, वह मानवता जिससे शर्मसार हुआ, और कोर्ट ने कहा ऑल व्हाइट कलर्ड पीपल आर बीइंग सर्व्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, यानी इसमें कुछ टॉप ब्रास ब्यूरोक्रेट्स और बड़े नेता इस कुकृत में शामिल थे जिसे बचाया गया। एक जो ऑर्गेनाइजर था, जो मालिक था संस्था का, उसको सिर्फ, वो भी कानून के वजह से, इनके वजह से नहीं, कानून के वजह से वे आज पकड़े गए। उस व्यक्ति, बदनाम व्यक्ति के घर में ये जाते थे केक काटने, बच्चों लोगों के टैक्स के पैसे से हेलीकॉप्टर से उड़े। अब जैसे लगा कि समाजवाद के कोई सलाखा पुरुष के घर में जा रहे हैं। तो ऐसे कुकृत्यों से, सृजन घोटाला इसकी जांच कर रही है, कई लोग तो मर भी गए या मारे गए, जो चारा घोटाला में हुआ था वही सृजन घोटाला में हो रहा है, धीरे धीरे माननीय पटना उच्च न्यायालय उसकी मॉनिटरिंग कर रही है। तो हमको लगता है देर सवेर वो मिलेगा। जो हमारी देश की सबसे बड़ी वित्तीय संस्था है, उसने भी कहा ये पैसा टहल रहा है किसी के दरवाजे पर, जो टैक्स का पैसा है, वित्तीय कुप्रबंधन की वजह से। तो ऐसी अराजक स्थिति में राज्य को निकालना आवश्यक था, इसलिए मैं 10 वर्षों से लड़ रहा हूं।